क्या आप खांसी से हैं परेशान या आपके घर में है कोई परेशान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम तीन बेहतरीन सिरप लेके आए हैं आप लोग को बताने के लिए। मेरा नाम कृष्णा साहू और आप देख रहे हैं डॉक्टर यूट्यूब चैनल। और इन तीनों सिरप को आप देख सकते हैं, तुरंत आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनके बारे में एक एक करके हम पूरा जानते हैं। तो मेरे हाथ में देख सकते हैं SKALS है, ये SKALS देख सकते हैं, इस तरह की ये पैकिंग है और इसको ग्लेन मार्क ने बनाया हुआ है। और इसके साल्ट की बात, कंपोजिशन की बात करें तो लिबोसाल ब्यूटामाल सल्फेट है इसमें और एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड एंड गियोफाइनेंस एक्सपेक्टोरेंट लिखा हुआ है। ये पूरा देख सकते हैं आप इस तरह से, और यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम है, इसको SKALS हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हैं। ये पूरा इस तरह का पैकिंग में बना हुआ रहता है। इसका मेन काम है जो जिनको अस्थमैटिक खांसी आता हो, सांस फूल रहा हो, ये उस काम में लिया जाता है। ये बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं ली जा सकती है, ये आपके डॉक्टर के एडवाइस पे लिया जा सकता है। और यहाँ देख सकते हैं इसकी MRP की बात करें तो 118 इसकी MRP है। और इस तरह के मार्केट में इस कंपनी में कई सारे सिरप आते हैं जो आप अपने हिसाब से, आपके डॉक्टर के चयन के हिसाब से ही लेना चाहिए। और ये सांस फूलने में काफ़ी लाभदायक होता है। जिनका सांस फूलता अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा और कई कंडीशन में इसको दिया जा सकता है, जो कफ को भी कंट्रोल करता है। अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, सांस फूलने वाले पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है। और अगर हम शुरू करते हैं दूसरे नंबर पे हमारे हाथ में आता है ये प्रिटान एक्सपेक्टोरेंट, ये भी एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। और प्रिटान ये क्लोनाफेनामिन माल्टेज और एमिनो क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। इसको ग्लेस्को कंपनी बनाती है। और यहाँ देख सकते हैं पूरा ये ग्लेस्को सेंसेक्यून लिखा हुआ, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड लिखा हुआ है। और ये ग्लेस्को GSK का है बना हुआ। और ये अभी भी कांच में आता है, शीशे में आता है। ये काफ़ी अच्छा सिरप है। इसके डोजेस के बारे में हम मेंशन किया हुआ है कि इसको 12 साल से ऊपर कैसे लेना है। और ये बिना डॉक्टर के सलाह पे ये भी सिरप ना यूज करें, क्योंकि ये भी डॉक्टर के सलाह पे यूज करें। और इसके बारे में हम बता दें, यहाँ पूरा देख सकते हैं, ये इसकी MRP 102 है और 100 रुपये के आसपास ये आती है। और ये प्रिटान स्पेक्ट्रम आई भी शीशे में आता है, जो इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में इसका। और इसके काम के बारे में बात करें तो किस तरह की खांसी में काम आता है, तो इस वीडियो में हम आगे आपको बताते हैं। प्रिटान स्पेक्टोरेंट ये अपने आप में काफ़ी खास है और ये अभी भी कांच की बोतल में ही आता है, जैसे मैंने आगे बता दिया है। और ये प्रिटान स्पेक्टोरेंट कफ और सूखे खांसी में, कफ खांसी में काफ़ी लाभदायक। इसके अलावा जो बहुत अधिक खांसी आता हो जिनको, और वो पेशेंट अस्थमेटिक ना हो, तो इस तरह के केसेस में ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और मार्केट में काफ़ी इसकी मांग है। और ये काफ़ी अच्छा कफ और ड्राई सिरप है जो सूखे खांसी को भी ख़त्म करता है और कफ खांसी को भी सही करता है। इसके अलावा ये काफ़ी अच्छा इसका रोल है। और अगला हमारा तीसरा जो है, तीसरी दवा को बताने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको काफ़ी आराम पहुँचे। और इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आगे अच्छे आपको दवाओं की अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो संभवतः आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, सब्सक्राइब कर चुके हैं। और आगे हम देखते हैं तीसरी दवा के बारे में, उसका क्या रोल है। तो जो तीसरी दवा हम लेके आए हैं, इसका नाम है, पहले हम नाम जानते हैं, इसका नाम है चुपावा। काफ़ी फेमस दवा है चुप सिरप। और इसकी कम्बिनेशन की बात कर लें तो हम इसमें देख सकते हैं आप टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड गियोफाइलिन, जो चुप नाम से आ रहा है, ये प्लास्टिक में है। और इसके टाइप में सेम ग्लिंटस BM सिरप आपको कांच में याद होगा आता है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे। मैं कोशिश करूंगा उसको लगा दूं, अगर चुप सिरप हो या ग्लिंटस BM दोनों एक ही काम करेगा। और दोनों अलग अलग कंपनी का है। चुप सिरप एबॉट कंपनी बनाती है और ये 100 ml का ये भी सिरप है। तीनों सिरप 100 ml के हैं जो मैंने बताया है। और ये एबॉट का ये लोगो है, शायद वीडियो में थोड़ा साफ ना दिख रहा हो। और इसके MRP की बात करें तो ये 80 रुपये के आसपास की MRP के है, 84 MRP की है। और ये प्लास्टिक में आता है और ग्रीन कलर का है, जो काफ़ी अगर गाँव में या वैसे भी लोग ग्रीन कलर के सिरप को ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस ये किस काम के आता है, किस तरह के खांसी में, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आगे हम बताते हैं आपको कि किस तरह के खांसी में इसका उपयोग होता है। तीसरा हुआ इस वीडियो का लास्ट जो है चुप सिरप, इसके बारे में हम जानते हैं। चुप सिरप जो सीने में जकड़न, घरघराहट की आवाज़, गले से आवाज़, सीने से आवाज़ जो आता है, इस तरह के खांसी में काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा ये वायरल खांसी या मौसमी खांसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और चुप सिरप काफ़ी मार्केट में पॉपुलर भी सिरप है, एबर्ट कंपनी का, जिसमें मैंने पहले बताया है।
इसके अलावा इसको हर तरह के खांचे में दिया जा सकता है और इसका प्राइस भी काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी छूट गई तो आप वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने में ज़रूर शेयर कर सकते हैं।